Hello students, welcome back to our online classes. I am Seema, your GK teacher, and today I am going to teach you Unit 5, Language and Literature, Legends and Myths. Okay students, so let's start now. Open your book and notebook also. आज हम लोग चैप्टर करेंगे स्टूडेंट्स वो यूनिट 5 से है. पेज नंबर है हमारा 31, 38 एंड 53. सो लेट्स स्टार्ट विद पेज नंबर 31 इन योर बुक. टॉप पेज नंबर 31 में जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं वो है होमोनिम्स. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोनिम्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. होमोनिम्स मीन्स वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग और pronunciation but different meaning are called homonyms. आपके book में यहाँ जो sentence दिया हुआ है आप इसको underline कर लें. okay? Words which have the same spelling, ऐसे words जिसके spelling same हो या pronunciation उसका same हो लेकिन उसके meanings जो है वो अलग हो, ऐसे words को हम लोग homonyms बोलते हैं. okay? Each of the given sentences contains two homonyms. आपको जो ये चैप्टर है इसमें आपके हर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसमें टू वर्ड्स होमोनिम्स के दिए हुए हैं. आपको वो सेंटेंस केयरफुली रीड करना है और जो करेक्ट होमोनिम्स होगा वो आपको टिक आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. केशव वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग टू बाय सम. यार आप लोग यहाँ देख रहे हैं अंडर ब्रैकेट में स्टेशनरी स्टेशनरी. ओके, सेम प्रोनंसिएशन है बट स्पेलिंग डिफरेंट है स्टूडेंट्स. एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई स्टेशनरी एंड एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई स्टेशनरी. सेम प्रोनंसिएशन बट स्पेलिंग डिफरेंट. क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ई एन ए का डिफरेंस है स्टूडेंट्स. ओके, एंड देयर मीनिंग्स ऑल्सो डिफरेंट. ओके, फॉर स्कूल आपसे सेंटेंस जो बोला जा रहा है केशव वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग टू बाय सम. केशव जो है वो शाम को मार्केट जाता है कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए स्कूल के लिए. अब इन दोनों स्टेशनरी में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें इन दोनों स्टेशनरी के मीनिंग्स पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, so write down in your notebook. Stationery means writing equipment. लिखने वाली चीजें जो होती हैं वो हमारे क्या हो गई? Stationery. And it's a noun. And next जो stationery हमारे book में given है उसका meaning होता है fixed. And it's a adjective. तो अब आपको इन दोनों homonyms की meaning पता चल गया. अब आपको क्या लग रहा है students? कौन सा answer आपका correct होगा? केशव शाम में जाता है कहाँ? मार्केट, राइट, कुछ सामान खरीदने के लिए. तो ये जो स्टेशनरी हम देख रहे हैं इसका मीनिंग होता है लिखने के लिए, राइट, जो राइटिंग इक्विपमेंट्स होंगे वो. एंड ये हो गया हमारा फिक्स. तो स्कूल के लिए कोई फिक्स चीज तो लेने नहीं जाएंगे, तो वो क्या लेने जाएंगे? तो राइटिंग इक्विपमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज यस स्टूडेंट्स, इट्स अ एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई स्टेशनरी. इट्स अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आदित्य हैड टू रिटर्न हिज डॉग्स कॉलर विच ही हैड बाउट ऑनलाइन बिकॉज इट वॉज टू लूज. लूज सेम प्रोनंसिएशन बट स्पेलिंग डिफरेंट स्टूडेंट. एल ओ एस ई लूज, एल ओ डबल ओ एस ई लूज. ओके, अब बात आती है कि हमें इन दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए. अब इनके मीनिंग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो एल ओ एस ई मीन्स टू बिकम अनेबल टू फाइंड समथिंग. ओके, इट्स अ वर्ब. किसी भी चीज को खो देना, उसको नहीं पा सकना, ये क्या हो गया? लूज. और जो नेक्स्ट लूज हमारा है उसका मीनिंग होता है फ्री या नॉट टाइट अप और शट इन समथिंग, जो अच्छी तरह से नहीं बांधा जा सके, वो हो गया हमारा फ्री, लूज. अब आपको मीनिंग पता है स्टूडेंट्स. अब कम टू द क्वेश्चन. आदित्य जो है वो जो उसने अपने डॉग के लिए कॉलर्स खरीदा, दैट मीन्स जो डॉग के गले में लगाया जाता है पट्टा जिसको बोलते हैं,
उसने ऑनलाइन खरीदा जो कि लूज हो गया, जिसकी वजह से उसे वापस से वो रिटर्न करना पड़ा. सो द करेक्ट आंसर इज LOOSE, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, फ्री, ढीला, लूज जिसको बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. राधास टीचर टोल्ड हर दैट द प्रिंसिपल वॉन्टेड हर टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन एन आर्ट कॉम्पिटिशन. ओके, ये जो प्रिंसिपल हम देख रहे हैं PRINCIPLE, इसका मीनिंग होता है न्यू लॉ या सेट ऑफ रूल्स. ओके, एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो है PRINCIPAL, प्रिंसिपल, दैट मीन्स हेड ऑफ द स्कूल और कॉलेजेस. ओके, सो ये जो क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है, राधास टीचर टोल्ड हर दैट द, राधा के टीचर ने कहा है उससे कि प्रिंसिपल वॉन्टेड हर टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन एन आर्ट कॉम्पिटिशन. प्रिंसिपल चाहती हैं कि वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करे किस में, आर्ट कॉम्पिटिशन में. सो द करेक्ट आंसर इज PRINCIPAL. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायनेस हंट्स हर प्रे बाय क्राउचिंग लो इन द ग्रास अंटिल सी गेट्स क्लोज एनफ टू पाउंस ऑन इट. लायनेस, शेरनी जो है वो शिकार कर रही है. तो शिकार का स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो क्या होता है, PREY, प्रे. ये जो प्रे है उसका मीनिंग क्या हो गया, प्रार्थना करना, गॉड से प्रे करना. ओके, बाय क्राउचिंग, तो लायनेस जो है, शेरनी जो है वो शिकार कर रही है ग्रास को, खरोच के उसको, जब वो तब तक खरोचती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, जो वो जंप करती है तो तब तक खरोचती है जब तक कि वो पूरी तरह से अपने शिकार को अच्छे से कैप्चर न कर ले. तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा PREY, प्रे. ओके, इट्स अ प्रे. नेक्स्ट है, राकेश फैमिली स्टे इन अ स्वीट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ अ होटल वैन दे वेंट ऑन वेकेशन. यहाँ इन दोनों का मीनिंग जानना है स्टूडेंट्स. ये जो SUITE स्वीट का मतलब होता है एक होटल का रूम, एक सेट ऑफ रूम जो होटल, स्पेशली होटल्स में. दूसरे स्वीट का मतलब होता है मिठाई जो अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो है SUITE स्वीट. ओके, नेक्स्ट है, द सेल और सेल इन द मार्केट प्लेस नेवर फेल्स टू अट्रैक्ट अ ह्यूज रश ऑन वीकेंड्स. अब इन दोनों सेल में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो पहले हम इन दोनों के मीनिंग्स जान लेते हैं. ऐसे अली सेल का मतलब होता है द एक्शन ऑफ सेलिंग और ब्रिंग सोल, किसी भी सामान को बेचना. और SAIL सेल का मतलब होता है टू ट्रेवल इन एंड कंट्रोल अ बोट विथ सेल्स. अब यहाँ देखिए, द डैश इन द मार्केट प्लेस नेवर फेल्स टू अट्रैक्ट अ ह्यूज रश ऑन वीकेंड्स. अब क्या कह रहा है कि बाजार में कभी भी जो है वो कौन सा सेल यहाँ पे हमारा होगा, द डैश इन द मार्केट प्लेस नेवर फेल्स टू अट्रैक्ट अ ह्यूज रश ऑन वीकेंड्स. बाजार में जब वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स राइट, उस समय में बहुत ज्यादा रश होता है, तो ये कभी भी नहीं गिरता है वीकेंड पे क्या, किसी भी सामान का जो सेलिंग होता है वो. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, द टायर्ड ट्रेवलर्स डिसाइडेड टू स्टॉप एट द रोड साइड इन और इन टू रेस्ट बिफोर दे कंटिन्यू देयर जर्नी टू द सिटी. एक जो टायर्ड ट्रेवलर्स होते हैं, यात्रा करने वाले जो थक जाते हैं, तो वो रोड साइड रोकते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए आराम कर सके और उसके बाद वो फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके. तो उस समय में ये जो दो वर्ड्स है आपके इन और इन, ये जो INN है इसका मतलब होता है स्मॉल होटल और ओल्ड पब या सराय जिसको बोलते हैं, और इन में. तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? यस, इट्स INN. ओके, नेक्स्ट है,
The bus conductor insisted that all passengers pay the fare when they boarded the bus. Bus conductor जो है वो हर किसी passenger से जब वो bus में आते हैं तो उनसे क्या लेता है, उसका फेयर लेता है। तो फेयर किसका हो जाएगा, ये जो फेयर हम देख रहे हैं FAIR फेयर, इसका मतलब हो गया निष्पक्ष, यानी जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। नो, इट्स अ करेक्ट नहीं, ये करेक्ट नहीं है हमारा, इट्स अ रॉन्ग आंसर। एंड आवर करेक्ट आंसर इज FARE फेयर, इसका मतलब होता है किराया। द कोर्स और कोर्स मटेरियल ऑफ द शर्ट गिव आयान अ रेस ऑन हिज शोल्डर। ओके, तो इसमें से कौन सा कोर्स मटेरियल जो है जो अयान ने अपने शोल्डर पे डलवाया है, अपने शर्ट के शोल्डर पे डलवाया है, तो वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो है CORSE कोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। स्ट्रॉबेरीज और क्रीम एक दूसरे को कौन सा ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो एक दूसरे को, तो अब इसमें बात आती है दोनों कॉम्प्लीमेंट के मीनिंग क्या होते हैं। ये जो हम कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं COMPLEMENT, दैट मीन्स द टोटल नंबर दैट मेक्स अ ग्रुप कम्प्लीट। एंड ये कॉम्प्लीमेंट हो गया कि किसी को शाबाशी देना या एक दूसरे को कम्प्लीट करना। ओके, अ स्टेटमेंट और एक्शन दैट शोज एडमायरेशन फॉर समबडी। सो द करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके, योर चैप्टर, सॉरी योर पेज नंबर 31 कम्प्लीटेड एंड द टॉपिक इज होमोनिम्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा और इसको फिलअप भी कर लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर, विच इज पेज नंबर 38।